हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो है ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो कि कुछ ही घंटे पहले यहाँ पे जो है 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है काफ़ी लंबे समय इंतजार के बाद जो है यहाँ पे 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है, जो कि फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो आखिर हम बात करेंगे यहाँ पे जो है क्या इनका कटअप जो है इस बार का गया है और कितने कैंडिडेट का यहाँ पे जो है फाइनल रिजल्ट तैयार किया गया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, लेटेस्ट जॉब के अपडेट हो या फिर कोई भी बेल्ट्रॉन से रिलेटेड अपडेट अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इसी तरह आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट इस प्रकार मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बार बीपीएससी जो है फाइनल रिजल्ट जो है जारी किया गया है तो उसमें क्या कट ऑफ इस बार गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहां पे ये लेटर देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षाफल। जी हां फ्रेंड्स, यहां पे जो अंतिम परीक्षाफल जो है घोषित कर दिया गया, जैसा कि आप लोग यहां पे पढ़ सकते हैं कि 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंतर्गत मुख्य लिखित परीक्षा में कुल 3,799 उम्मीदवार की मौखिक परीक्षा यहाँ पे हुई थी, जिसमें कि 3,671 उम्मीदवार जो है शामिल हुए थे और 128 जो अनुपस्थित रहे थे, जिसका कि यहाँ पे जो पूरा विवरण दिया गया आप लोग क्रमांक संख्या देख सकते हैं। नीचे अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे आप लोगों को इस पीडीएफ में जो है पूरा जो डिटेल्स में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है 3,611 उम्मीदवारों की यहाँ पे मुखित जो लिखित परीक्षा ली गई थी उसका जो प्राप्त अंक के आधार पर यहाँ पे जो है लिस्ट बनाया गया है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है पूरा जो है आरक्षण के अनुसार ये लिस्ट तैयार किया गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो टोटल 16 पेज का पीडीएफ है आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। हम लोग नीचे आएंगे, नीचे हमें बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे आएगा तो नीचे में आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 64वीं संयुक्त लिखित परीक्षा प्रतियोगिता का यहाँ जो है कट ऑफ लिस्ट है और आप लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर रिटेन एग्जाम और फाइनल एग्जाम दोनों का यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स बताया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्व्ड हो या रिजर्व एससी एसटी हो, मेल फीमेल दोनों का बताया जा रहा है, ईबीसी बीसी डिजेबल्स, यानी टोटल जो है कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग नीचे आएगा पेज पे और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जो है यहाँ पे सभी जितना कैंडिडेट इस परीक्षा में जो है सफल हुए हैं उन सभी का यहाँ जो है लिस्ट तैयार करके इसमें जो है नाम दे दिया गया। आप लोग अगर जो है एग्जाम दिए थे तो आप लोग एक बार अपना नाम जरूर चेक कर लें ताकि आप लोगों का नाम जो है इसमें मिस ना हो। और अगर आप लोगों का रिजल्ट आया तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ताकि आप लोग आगे जो है इसी तरह से जो है अगर जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं आप लोग भी कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करें और इस एग्जाम को क्लियर करें। जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल जो है 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही अपडेट देने वाला था कि यहाँ पे जो है काफ़ी लंबे समय इंतजार के बाद जो 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया। ये फ्रेंड्स फाइनल रिजल्ट है जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिसमें कि यहाँ पर टोटल जो है 3,611 उम्मीदवार जो है यहाँ पे घोषित किए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे नाम जो आप लोगों का दिया गया है तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों का नाम होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कट ऑफ लिस्ट देखना हो तो ये पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा जहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।